साफ करते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे जो सामान है आप उसी से ये कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक पाइप, पे जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं ना, मतलब कुछ भी वॉश करने के लिए, गाड़ी वॉश करने के लिए, जो भी हो, जो पाइप हम लोग यूज़ करते हैं वही रेगुलर पाइप आपको ऐसा एक चाहिए। उसके बाद चाहिए एक पानी की बॉटल, कोई भी पानी की बॉटल चलेगी। और फिर उसके बाद चाहिए एक इस तरीके का हार्ड पाइप, इस तरीके का, मैं आपको दिखा देती हूँ, बस। सबसे पहले हम लोगों को बॉटल को हाफ पोर्शन में कट करना है। तो हमें ये वाला पोर्शन जो है इसका कोई यूज़ नहीं, तो इसको हटा देना है, हमें सिर्फ चाहिए ये वाला पोर्शन, बॉटल के ऊपर वाला पोर्शन। तो अब हमें इस पोर्शन में चाकू या कैंची की मदद से इस पे लंबा लंबा कट लगाना है। तो चलिए अब आपको कट करके दिखाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से आपको दिखाती हूँ। तो हमने इसका कट लगा लिया है कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस साइड में हमने ऐसे करके कट लगा लेना है। बॉटल को इस पाइप में फिट करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि पाइप थोड़ा सा पतला है और बॉटल का मुंह थोड़ा सा वाइड है, तो हम इसको टेप की मदद से ठीक करेंगे और इसकी थिकनेस को थोड़ा इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ हमने इस टेप की मदद से इसकी थिकनेस को इन्हेंस कर लिया है। अब हम फिर से इस बॉटल को इसमें डाल के फिट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये अच्छे से इस पे टाइट हो गया है और ये निकलेगा नहीं बाहर। आती है इस दूसरे वाले पाइप की, अब हम इसको दूसरे पाइप के साथ में फिट करेंगे। तो यहाँ हमने फिट कर लिया है उसे, तो चलिए अब चलते हैं। अब हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इसके अंदर पानी डालेंगे, ताकि जब हम इसे वाटर टैंक के अंदर डालें तो वो ईज़िली जितना कचरा है बाहर आ सके। हमने पाइप को पूरा फुल कर लिया है पानी से। तो हमने जब पाइप में पानी डाल दिया और पाइप पूरा फुल हो चुका है, तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि पानी फुल हो चुका है, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा क्या। तो चलिए टैंक की तरफ चलते हैं साफ़ करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैंक के अंदर कितनी धूल और गंदगी जमी हुई है, कितना कचरा जमा हुआ है, तो आज हम लोग यही साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, कि कचरा बाहर आना शुरू हो गया है, तो यहाँ से पूरा पानी के थ्रू सारा कचरा निकल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ सामने से, ये देखिए ये सारा निकला था पानी के अंदर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पानी के थ्रू कितना सारा डस्ट बाहर आ रहा है, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कितना सारा कचरा पानी के अंदर था और वो सारा पानी के थ्रू ही बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टैंकर साफ हो चुका है और ये पहले और अब की तस्वीर है, और अब हम टैंकर को वापस से पानी से भर देंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।